देना ही होगा अपनी बात। आजकल करना यूपी के कन्नौज में किशोरी से रेप के प्रयास में गिरफ्तार पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट कराने के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी है। इसके अलावा आरोपित की जमानत अर्जी पर 16 अगस्त को अदालत में सुनवाई होगी। दूसरी तरफ पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती पीड़िता की बुआ की गिरफ्तारी है। पुलिस ने FIR में नाम जोड़ मंगलवार को बुआ को आरोपित बना दिया था। बुआ की तलाश में पुलिस छापेमारी में जुटी है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मुकदमे में रेप की धारा बढ़ गई है। कन्नौज के चंदन सिंह महाविद्यालय में सपा नेता को रविवार रात रेप के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार रात पीड़िता के बयान के बाद नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई थी। इस केस में सुनवाई के दौरान पुलिस केस डायरी पेश करने में विफल रही, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 16 अगस्त के लिए निर्धारित कर दी। बीजेपी नवाब सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का नेता बता रही है। वहीं सपा ने इस आरोप से इनकार किया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को कन्नौज में उसके कॉलेज से सोमवार की रात गिरफ्तार किया गया था। लड़की नौकरी पाने के लिए रविवार रात यादव से मिलने अपनी बुआ के साथ कॉलेज पहुंची थी। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने मंगलवार को बताया था कि पीड़िता लड़की की उसके माता पिता की सहमति से मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ अपराध की संबंधित धाराओं के तहत आरोप जोड़े गए हैं। मामले पर पीड़िता के पिता ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए आप। हम अपनी बाइक चला रहे थे, हमारे घर से ये थी, तो उसमें तो पुलिस वाला हमारे पास गया कि चलो तुम्हें साहब बुला रहे हैं, हमने चलो तो यहाँ पे आए तो हमने पूछा ना सर क्या बात, तो हमको कुछ बताया नहीं कि आपको कन्नौज चलना है, तो हम दोनों आदमी गाड़ी में जा कर ले गए कन्नौज। फिर वहीं बताया कि ऐसी ऐसी बात है, इतनी बात हमारी हुई, वहीं नाटनी मिली हमें आने। तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। हाँ जी, फला नेता के द्वारा ये गलत काम किया, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में आपको क्या लगता है? सर हुआ तो भाई गलत तो हुआ है। इसी मामले में किशोरी की बुआ पर पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। रविवार देर रात कन्नौज कोतवाली क्षेत्र स्थित चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय के प्रबंधक और पूर्व सपा नेता नवाब सिंह को नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया था। इस मामले में नाबालिग किशोरी ने पुलिस को मौके पर बुलाया था और पुलिस ने नवाब सिंह को तुरंत पकड़ लिया था। इसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। SP अमित कुमार आनंद ने कहा कि नाबालिग पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया था और नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद उसका बयान लिया गया। अब जांच में रेप की पुष्टि हो गई है तो इस केस में अन्य धाराएं भी बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव के मामले में पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नवाब सिंह मामले में समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना रहा वो भी सुनिए आप। उपेंद्र कुमार कन्नौज, आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, DMS की सम्मान भी कर रहे हैं और BJP वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे जो गए हैं वहाँ रिपोर्टिंग के लिए। हालांकि आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ये पूंजीपतियों की साजिश है। यादव ने दावा किया कि मामले में पीड़िता रेप से इनकार कर रही है, लेकिन इसके बावजूद 6 बार मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं मामले में पार्टी की किरकिरी होती देख सपा ने भी स्पष्टीकरण जारी किया है कि नवाब सिंह किसी भी तरह से पार्टी का सदस्य नहीं था। पार्टी की ओर से जारी ज्ञापन में कहा गया है कि वह करीब 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था और वह पार्टी का प्रारंभिक सदस्य या सक्रिय सदस्य नहीं है। आजकल कन्नौज